प्रारूप खाका बना लें। विधियों का उल्लेख किया, उसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया।
अतः उसमें भूमि दान का उल्लेख। तो भूमि दान का प्रथम उल्लेख जो है किसके शासन काल से प्रारंभ माना जाता है, शास्त्रार्थ ठीक है, नहीं समझ आ गई बात कि भूमि दान का प्रथम जो है अभिलेखीय प्रमाण कहां से माना जाता है, तो सातकर्णी प्रथम के राज्यकाल से उसकी पत्नी नागादिका के लेख से ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ और एक राष्ट्रीय यज्ञ किया, इसके बाद जो शासक आया उसका नाम था हाल। एक उनकी विद्वान शासक था, जिस प्रकार सातकर्णी प्रथम का राज्यकाल युद्धों के लिए जाना जाता है, विजयों के लिए जाना जाता है, इसके विपरीत जो है हाल का जो शासनकाल था वो जो है शांति सुख समृद्धि का शासनकाल था ठीक है। गाथा सप्तसती नामक एक ग्रंथ की इसने रचना की थी, जिसके कारण इसको याद किया जाता है ठीक है। बृहत कथा कोश और कालतंत्र के लेखक भी इसके शासनकाल में राज्याश्रय प्राप्त किए हुए थे। अब जो महत्वपूर्ण और सबसे महान शासक हुआ इस वंश का वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए आपको तो ध्यान से एक चीज देखना है, इस वंश में जो शासक हुए अब यहां से लिखे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र कुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सभी के आगे नाम लिखा है ठीक है ना, पुत्र लिखा है बाद में फिर अलग नाम लिखा है। इसका मतलब है कि ये सात महान वंश के शासक अपनी माताओं का नाम अपने आगे लिखा करते थे ठीक है। तो एक तो जो है कि माताओं मातृ प्रधान समाज था, वर्णाश्रम को प्रशय देने वाला राजवंश था ठीक है ना। इन वंशों ने क्या किया, वर्णाश्रम धर्म को प्रशय दिया, उसको प्रचार प्रसारित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी की एक पत्नी इतनी बल सी ठीक है ना, इनका मासिक का अभिलेख है, पूरा नाम था उनका गौतमी बल सी ठीक है। ये बलश्री थी तो माता थी ठीक है, सातकर्णी की माता थी। इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो है नासिक का जो क्षयराज वंश था उससे संघर्ष हुआ था ठीक है, और उसमें इसने नासिक के क्षयराज वंश नहपान की और उसके दामाद भूसावदार या ऋषभदत्त की हत्या कर दी ठीक है। इसी का जो है संबंध रुद्र दामन के साथ व्यवहार संबंध था, शासक था जो मालवा का उसके साथ था, अतः सातकर्णी प्रथम का जो लड़का था उसका रुद्र दामन की पुत्री से ब्याह हुआ था, तो एक व्यवहार संबंध था। इसने अपनी विधियों द्वारा और तमाम शिष्यों द्वारा एक अपनी उपलब्धियां प्राप्त की। जोगल धमकी जो है एक स्थान है वहां से नहपान के बहुत अधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं ठीक है ना, वहां से भी नहपान के सिक्कों पर ही इसके नाम का उल्लेख है। इसका मतलब है कि पहले वो सिक्के किसके थे, नहपान के, बाद में नहपान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो सिक्के इसने मतलब इसकी विजय के सूचक हुए यानी इसका नाम होगा, तो नेपान पर विजय का सूचक भी गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है।
जिसका शासक कौन था? रुद्रदामन, ठीक है ना। रुद्रदामन ने युद्ध में इसे दो बार हराया लेकिन इसकी हत्या नहीं की, ना इसको मारा, इसको छोड़ दिया, क्योंकि वैवाहिक संबंध था, ठीक है ना। अतः रुद्रशासक रुद्रदामन से दो बार था। अब यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में इसके जो सिक्के मिले, उन सिक्कों पर नाव बनी हुई है, यानी कि सिक्कों पर, तो इसका मतलब है कि नाव के द्वारा भी इनका व्यापार होता था। अब देखिए, परीक्षा में प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए तो दो तीन चीजें हैं कि इन लोगों ने, एक प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा वंश था जिसने शीशे के सिक्के चलाए, कौन था? सातवाहन वंश, ठीक। शीशा, पोटी आदि धातुओं के सिक्के चलाने वाला पहला राजवंश कौन था? सातवाहन वंश, ठीक। देखो, एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, बता चुके हैं कि प्रथम जो है स्वर्ण सिक्के छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आहत सिक्के चलते थे, ठीक है ना। इसके बाद आए हिंद यमन, उन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए, लेखयुक्त सिक्के चलाए, आकृतियुक्त सिक्के चलाए, ठीक है ना। तो भारत में प्रथम सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? हिंद यमन, ठीक। इसके बाद कुषाण वंश आया, कुषाण वंश के शासन के प्रश्न आते हैं सीधे सीधे, इसलिए हम इनको रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से, ध्यान से सुनना आप। इसके बाद कुषाण वंश में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चला, कुषाण वंश में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चला, जिसमें सोने का प्रतिशत 92% था, ठीक है नहीं। अब आइए सातवाहन वंश, तो शीशे के सिक्के चलाने वाला सातवाहन वंश था। मुगल काल में एक शासक हुआ, मतलब मध्य काल में भी कुछ प्रश्न आते हैं सिक्कों से, क्या अकबर ने कौन से चलाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से चलाए, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से चलाए, और बादशाह तुगलक ने कौन से चलाए, सिक्कों से संबंधित हैं। लेकिन एक और मतलब जो है, जो याद करने लायक है, वो है तांबे के सिक्के किसने चलाए। भारतीय इतिहास, सॉरी तांबे नहीं, चमड़े के, ठीक है। भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक हुआ और जो कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए हुआ था, जिसने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए, है मालूम किसी व्यक्ति को? याद करने वाली बात है, सिक्कों की बात आई तो हमने कहा सिक्कों के बारे में कुछ बता दें, ठीक है ना। कल भी बताया था आप लोगों को, कोई चीज जो है कि दो तीन बार कही जाए। प्राचीन जो है पद्धति थी हम लोगों की, ऋषि मुनियों की परंपरा थी कि चर्चा किया करते, ऋषि मुनि जो है बातों को श्रवण विधि थी, श्रवण मनन उन्होंने दिया ध्यास, ठीक है ना। यानी जब जो है लेखनी प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था उस समय, वैदिक काल में जो है तीन विधियाँ जो होती थी, श्रवण मनन और निधि ध्यास, ठीक है ना। श्रवण का मतलब सुनिए, मनन का मतलब है उसको मन में धारण कीजिए, और निधि ध्यास का मतलब है कि उसका हमेशा ध्यान स्मरण कहते रहिए, ठीक है ना। ये विधि जो है हर युग में प्रासंगिक है, पढ़ाई की विधि है, और अगर आप लोग भी अपना लें तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा लेखनी के द्वारा, ठीक है ना। सिर्फ आपके कान खुले हों, श्रवण का मतलब है कि जो चीज़ सुनाई जा रही है वो चीज़ आपके कान के द्वारा बुद्धि तक पहुँच जाए, और फिर उसका मनन और निधि ध्यान कहते रहे आप लोग। इसलिए बार बार चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें याद, ठीक है ना। तो ये हमने चमड़े की बताई थी बात, हुमायूं की एक बार जान बचाई थी चौसा के युद्ध में निजाम भिस्ती ने, तो हुमायूं ने जो है प्रसन्न होकर उसको एक दिन का राजा बना दिया था, ठीक है। अतः उसने इतिहास में अपने आप को अमर करने के लिए कि भाई हमें लोग बाग कैसे याद करें, तो उसने क्या किया था, चमड़े के सिक्के चला दिए, ठीक है ना।
उस समय जो चमड़े के सिक्के चलाए, जैसे मान लो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ठीक है ना, उसमें मतलब उस समय के समकालीन इतिहासकारों में ही मतभिन्नता है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहा, पढ़ने पर इतिहास की किताबों में ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि उसने पीतल के चलाए थे या तांबे के चलाए थे या किसी अन्य धातु के चलाए थे। लेकिन एक बात क्लियर थी कि उसने जो सिक्के चलाए उसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसे ये भी दोष दिया गया कि लोग बागों ने वो सिक्के जो है ठोक ठोक के अपने घर में उस प्रकार सिक्के बना लिए, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की हो गई बात, लेकिन वो क्या है, सांकेतिक मुद्रा थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से निजाम बस्ती ने भी एक प्रकार सांकेतिक मुद्रा ही चलाई थी जिसका जो है मूल्य उस समय की मुद्रा के बराबर ही था उस दिन, ठीक है ना। इसलिए निजाम बस्ती को भारत के इतिहास में चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक कहा जाता है, जो कि हुमायूं की कृपा से एक दिन का शासक बना था, ठीक। तो ये सिक्कों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और आप लोगों को बता दें, सातकर्णी प्रथम के बारे में बताया कि इसने क्या है अश्वमेध यज्ञ किया था और राजसूय यज्ञ किया था, ठीक है ना। तो अभी तक हम इतिहास में आप लोग बता चुके, देखिए सबसे पहले जो है अभी हम पढ़ा रहे थे जो इतिहास वैदिक काल में, तो अश्वमेध यज्ञ हमने पढ़े ही है और ये भी जानते हैं भगवान राम ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है ना। लेकिन इतिहास में और भी हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, और सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था वो कदंब वंश का राजा मयूर शर्मन था, जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है ना। कदंब वंश, उसमें तो शुंग ने अश्वमेध यज्ञ की, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक। और इक्ष्वाकु वंश का एक शासक था श्री शांतमूल, इक्ष्वाकु वंश का एक शासक था श्री शांतमूल, जो संस्थापक भी था इक्ष्वाकु वंश का, उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा मतलब लिख लिया कर, हम बोल रहे थे थोड़ा लिख लिया कर, नहीं यही क्या परीक्षा में यही प्रश्न भरते हैं, हम बता रहे सकती हैं आप सर। कदम वंश का कौन सा राजा 18 बार किया था? कदम वंश का मयूर शर्मन था, ये भी ब्राह्मण वंश था, ठीक है, कर्नाटक में था ये वंश, और इसका एक यही प्रमुख शासक था मयूर शर्मन, जिसके बारे में मतलब लेख मिले हैं, उन लेखों पर ये सिद्ध हुआ है कि इसने 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। अब आइए गुप्त वंश पे, गुप्त वंश का शासक जो है श्री गुप्त को माना जाता है, ठीक है, संस्था। लेकिन सुपिया अभिलेख और क्या बोलते प्रभावती गुप्ता जो थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, इसका पूरा ताम्रपत्र मिलता है, उसमें भी इस वंश का जो संस्थापक वो है उसमें घटोत्कच को जो है इसका प्रथम शासक माना, ठीक है ना। बहरहाल कुछ भी हो, उस समय मतलब एक सिंह लेख वो आया था चीनी यात्री, उसने कहा कि 500 वर्ष पहले कोई एक चीनी यात्री आया, हुई सुन नाम था, ऐसे कुछ नाम था, उसने जो है कहा था कि एक कोई जो है चंद्रू राजा था, पता उसी के नाम पर जो है ये अनुमान लगाएगा कि वो पहला शासक जो है श्रीगुप्त था। हालांकि ये जो है सात वाहनों के सामंतों के रूप में रहे, और इनका जो है उत्तर प्रदेश में एक कहीं जो है पहले सामंत के रूप में काम करते रहे, फिर जो है धीमे धीमे करके राजपद को ये प्राप्त कर गए। तो ये इन लोगों की
नीतिगुप्त और घटोत्कच, ये दो लेखक सॉरी ये दो राजा ऐसे थे, इनकी जो है अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, महाराज। ठीक है ना। देखिए हर युग में जो है पदवियां बदलती हैं। ठीक, उस समय क्या है, राजन, राजा, सम्राट, स्वराट, विराट और भोज वैदिक काल में। इस काल में कुषाण काल में क्या गया, महाराजा धीराज। ठीक, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना, 319-320 में के आसपास एक गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। लिच्छवी राजकुमारी उमा देवी से विवाह किया। ठीक है ना, लिच्छवियों से संबंध करके इसने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी का जो है ये वैवाहिक संबंध का, वैवाहिक संबंध का प्रमाण जो है सिक्कों के द्वारा ये बात सिद्ध होती है कि उमा चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी उमा देवी का ब्याह संबंध हुआ था। ठीक है, इसने अपने राज्य का विस्तार किया तो गुप्त संबंध चलाया 319 में। ठीक, दो तीन बातें क्लियर हो गई कि वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। इसके जो सिक्के हैं वो सोने के सिक्के मिले हैं। अच्छा, गुप्त काल में दीनार जो है स्वर्ण सिक्का कहलाता था, और स्वर्ण सिक्का, ठीक है ना, दीनार जो है, और आपको हमने एक दिन बताया था कि उत्तर प्रदेश की सिविल परीक्षा में या IAS की परीक्षा में बार बार रिपीट होता है कौन सा, द्रम और दीनार। ठीक है ना, द्रम शब्द ही अपभ्रंश होकर क्या बन गया, दाम। ठीक है ना, द्रम जो है अपभ्रंश होते हुए दाम बन गया। हम लोग नहीं पूछते तो भाई इसका क्या दाम है, तो वो अपभ्रंश होकर क्या बन गया, दाम। ठीक है ना, द्रम से ही। लेकिन परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि ये जो है यूनानी है या लेटिन है। आपको हमने बताया था कि जो दीनार है वो यूनानी है। ठीक, और द्रम लेटिन। ठीक, अब आइए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वो ये समझने भारत का नेपोलियन कहा। ठीक, ठीक है ना, भारत का नेपोलियन कौन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त का एक नाम काच मिलता है। क्या मिलता है, काच। ठीक है, देखिए दो तीन चीजें आप लोग याद करें या लिख लें कि जो उपनाम है कभी कभी, यानी बचपन के नाम, ठीक है, परीक्षाओं में आ जाते हैं। जैसे मगध, साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ तो हर्यक वंश का जो राजा था बिंबिसार, उसका क्या नाम मिलता है, बिंबिसार का एक उपनाम मिलता है, क्या नाम है कोई बता सकता है, क्या, हाँ वेरी गुड। ठीक है ना, क्या नाम मिलता है, श्रोण। ठीक, देखो जो बच्चे पढ़ते हैं वो बता देते हैं। ठीक,
सुन इतना, अगर ना हो आप लोगों को तो लिख लिया करें कि बिम्बिसार का यह प्रारंभिक नाम है जी, ठीक है जी, श्रोण एक टूडी के सर क्या टूडी है टूडी नहीं वो अजासत का था। अजासत का क्या बताया? हाँ पुणे, ठीक है। एक गुप्त वंश में एक बौद्ध यात्री आया था, धर्माचार्य फाह्यान जिसका नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में आया, फाह्यान इसका नाम था धर्माचार्य, ठीक है। उसने करीब 399 से 1414 तक भारत का भ्रमण किया, और जो जो है ध्यान से सुनना आपको, देखो ये परीक्षा में सब चीजें आती, फाह्यान के बारे में बता रहा है आप, ठीक है ना, जो इसके समय आया था चंद्रगुप्त द्वितीय समय, उसका एक नाम क्या था गुड़, ठीक है ना, क्या नाम था गुड़, ठीक। अब समुद्रगुप्त का क्या नाम है काच, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त देवराज, ठीक है ना, ये नाम इन लोगों के मिलते हैं जो आप लोग लिख लीजिए परीक्षा में आते हैं, ठीक। समुद्रगुप्त की जानकारी इतिहास में हमें कई ग्रंथों से मिलती है, सबसे प्रमुख जानकारी का स्रोत है इसका जो संधि विग्रहक था, मंत्री था, जिसका नाम था हरिशय, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, ठीक है ना, क्या लिखी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। प्रारंभ में यह जो है, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रारंभ में यह जो है कौशाम्बी में स्थित थी, ठीक, एक स्तंभ है जो अशोक का स्तंभ है, कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में रख दिया गया, ठीक। तो वहां पर उसी प्रयाग प्रशस्ति में हरिशयन ने इसकी विजयों का उल्लेख किया है, ठीक है ना, और उसने उत्तरापथ दक्षिणापथ सीमावर्ती राज आटविक राज और विदेशी राज इन सभी राजाओं को जीता, इनको अपना दास बनाया, इनको अपने अधीन किया, तो वो सब जो है विजयों का उल्लेख इसमें मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। लेकिन उसमें एक चीज नहीं मिलती है, और एक चीज और बता दें, यह जो है संस्कृत की जंपू शैली में लिखा गया है, जंपू शैली उसको कहते हैं जो गद्य और पद्य में लिखी जाए, ठीक है ना। उसमें उस प्रयाग प्रशस्ति में एक प्रश्न आता है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया उस अश्वमेध यज्ञ का वर्णन उसमें नहीं, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लेना कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र गुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता, ठीक, क्योंकि समुद्रगुप्त के अश्वमेध का जो वर्णन है वो उसके सिक्कों से मिलता है, जो 6 प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे, ठीक है ना, उनसे मिलता है, 5 प्रकार के सिक्के इसके मिलते हैं, तो समुद्रगुप्त की जो विजय है, ठीक है ना, आर्यावर्त के तीन राजाओं को उसने जो है
किया, ठीक। अच्छा, उसकी नीति भी सबके साथ में अलग अलग नीतियां थी। आर्यभट्ट के जो राजा थे, यानी उत्तर भारत के, उत्तर भारत के राजाओं के साथ में उसने विषबोध धारण की नीति का पालन किया, ठीक है ना। जबकि दक्षिण के राजाओं के खिलाफ में ग्रहण मोक्षान उग्रह, तो दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, ठीक। और आर्यभट्ट के जो युद्ध हुए, पहले युद्ध में यानी 13वीं 14वीं पंक्ति में जो है उसने 3 राजाओं को हराया, उसके बाद जो है 21वीं पंक्ति में उसने जो है 9 राजाओं को हराया। पहले 3 राजा थे जो अच्युत बुधकुलज और नाग से, ठीक है ना। बाद के 9 राजा हुआ थे, तो इनका सबका उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में आर्यभट्ट के उसमें आता है। फिर प्रश्न आ जाता है कि कौन सी पंक्ति में आर्यभट्ट का प्रथम युद्ध का उल्लेख है, ठीक है ना। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति की चौथी जो है पंक्ति, ठीक, उसमें एक उल्लेख है कि कुमार गुप्त अपने पुत्र जो है समुद्र गुप्त को कहता कि हे आर्य, तुम समर्थ हो, तुम पृथ्वी का पालन करो, तुम योग्य हो, ठीक है ना। यह बात सुनकर जो है सब लोगों को दरबार में खुशी हुई, लेकिन जो और राजकुमार थे उनके चेहरे जो है कुमला गए। ये बात जो है ये प्रमाणित कहती है कि भरित सभा में कुमार सॉरी जिसने चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिससे दरबारी तो प्रसन्न हुए, लेकिन जो राजकुमार थे और राजकुमार उनके चेहरे कुमला गए थे, ठीक। चौथी पंक्ति में ये सत्य है। अच्छा, जैसे जो है समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया, लिच्छवया, ठीक है, ये सिक्कों में उल्लेख आया है और उसमें ये बात आई है कि लिच्छवी दोहित्र है। समझते हैं लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र का मतलब क्या होता है, पुत्री का पुत्र, ठीक है ना। पुत्री का पुत्र जो है दोहित्र कहलाता है, ठीक। अच्छा, शास्त्रों में उस समय जो है इनको जो दोहित्र होते थे उनको दोनों ही वंशों का उत्तराधिकारी माना जाता था, यानी अपने दादा का कुल और अपने नाना का कुल दोनों का ही उसे उत्तराधिकारी माना जाता था। अतः कुमार देवी के विवाह के परिणाम स्वरूप जो है वो लिच्छवी राज्य का भी उत्तराधिकारी हो गया और इधर जो है गुप्त वंश का भी उत्तराधिकारी हो गया था। अब आइए प्रयाग प्रशस्ति पे, तो 13वीं 14वीं पंक्ति में और 21वीं पंक्ति में आर्यभट्ट के युद्धों का वर्णन है, जिसमें वह जो है इन राजाओं को परास्त कर देता है, उनके राज्यों को अधिग्रहित कर लेता है। अब आइए दक्षिणापथ का युद्ध, दक्षिणापथ के जो है 12 राजाओं को हराया उसने, और जिस मार्ग से वो गया था, दक्षिणापथ जो है जिस मार्ग से वह गया था उसी मार्ग से वो वापस लौटा समुद्र, ठीक है ना। यानी दक्षिण के 12 राजाओं को हराया और उनको जो है अपनी अधीनता स्वीकार कराई, इसके बाद उन्हें जो है ग्रहण किया और फिर मोक्ष प्रदान कर दिया। इसलिए इस नीति को दक्षिण भारत के राजाओं के साथ जो नीति अपनाई उस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है, ठीक है ना। हेमचंद्र राय चौधरी ने एक लेखक है, हेमचंद्र राय चौधरी, उन्होंने समुद्रगुप्त की इस विजय का धर्म विजय के रूप में उल्लेख किया है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए कि जो महान शासक हुए हैं वो इतिहास से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हैं।
आप लोग जब खिल्ली वंश पढ़ेंगे, खिल्ली वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत के खिलाफ जो नीति अपनाई थी, वो नीति समुद्रगुप्त ने पहले ही अपनाई थी, उसी नीति का पालन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी उनको जो है अपने अधीन किया, लेकिन अधीनता स्वीकार कराई, लेकिन उनके राज्यों का उन्मूलन नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत की जो परिस्थितियाँ हैं, उत्तर भारत की जो परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनमें बड़ा अंतर है। तो ये एक योग शासक की निशानी है कि जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करना, प्रशासन करना, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब ने एक ऐसा शासक था जिसने जो है अपनी हट धर्मता से जिस जो गलत नीति अपनाई दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ में, अतः आप जब आप मुगल काल पढ़ेंगे, बच्चे यहाँ से पढ़ते ही जा रहे हैं आप, तो आप इतिहासकारों के मत है कि दक्षिण भारत के खिलाफ में जो औरंगजेब की नीति थी, वो नीति इन शासकों के अपोजिट थी, यानी विरोधी थी। जब उसने इन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, तो वहीं से इसके साम्राज्य में विद्रोह होने लगे, वहीं से इसके साम्राज्य का पतन प्रारंभ, ठीक है ना। इसलिए दक्षिण भारत के बारे में औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत ही औरंगजेब की कब्र के समान हो गई, ठीक है, वहीं पर उसी कब्र खुद गई थी दौलताबाद में। तो समुद्रगुप्त की आर्यावाद हो गई, दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया, आठवें राज्यों के खिलाफ 21वीं पंक्ति में आठवें के राज्य हैं, ठीक है ना। जंगली राज्य जो क्या है कि गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर से जबलपुर तक के जो जंगली प्रदेश है, उन राज्यों को इसने हराया था। जो जंगली राज्य थे, जंगल में निवास करते थे, उनको भी इसने हराया था, ठीक। अब प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती या प्रत्यंत राज्य समतट दबाव कामरूप कदपुर नेपाल, ये राज्य है, ठीक। कुछ जो है गणराज्य है, करीब करीब 9 गणराज्य ऐसे बताए गए हैं जिनका उन्मूलन समुद्रगुप्त, ठीक है ना। अब परीक्षाओं बहुत ज्यादा आता है, देखो यहां तक गुप्त काल तक जो है गणराज्य थे भारत में, अजुनायन, यधे, मालव, गुणिंद, ये सब क्या है गणराज्य, सनकानी, खटकर पर, ये गणराज्य थे। इन गणराज्यों को पूर्णता नष्ट किसने कर दिया, समुद्र। अतः परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि भारत में गणराज्यों का अंत करने वाला कौन शासक था, भारत में गणराज्यों का अंत करने वाला शासक कौन था, वो था समुद्रगुप्त, ठीक है ना। अब आइए विदेशी राज्य, तो प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति में विदेशी राज्यों का उल्लेख है। इन राज्य, ये राज्य भी जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिया था, और 23वीं 24वीं पंक्ति में शक मुरुंड शाही सहान शाही, इस शब्द पर ध्यान देना तुम लोग, शाही शाही सहान शाही, ये जो है कुषाणों की, कुषाण जो मतलब है नीचे के जो राजा थे उनकी पदवी थी,
शाही साहब शाही ये छोटे छोटे राज्य रह गए थे। देखिए आप लोगों ने एक चीज आपने मतलब इतिहास पढ़ा रहे हो तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहले एक सितारे के रूप में राज उभर था छोटे रूप में, फिर वो विकराल धारण करता है यानी अपना क्षेत्र कोई ना कोई दो चार शासक होंगे, एक आध शासक होगा जो उस राज्य का विस्तार करेगा। जैसे एक था चेदी वंश यहाँ का कलिंग था ठीक, कलिंग का हाथी गुंफा अभिलेख, खानपेर का हाथी गुंफा अभिलेख मिलता है जिसमें ये है भारत के इतिहास में कुछ शासक ऐसे हुए कि जो एकदम तेजी से उभरे धूमकेतु की तरह, और जिन्होंने मतलब पूरे भारत को तो एक बार पूरा जीत लिया, सब शासक को हरा दिया और उनके बाद ही उनके वंश का ही पतन हो गया ठीक है ना। लेकिन वो वंश चलते रहे जिन वंशों में दो चार शासक महान होते गए, जैसे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक राज्य करने वाला वंश सातवाहन वंश था जो 300 वर्ष तक चला ठीक है ना, 300 वर्ष तक चला। तो 300 वर्षों में कितने महान शासक कितने शासक हुए होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ हम कितने शासकों को पढ़ा रहे हैं, चार पांच, क्योंकि जिन्होंने कुछ उपलब्धियां देखो हम सब इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। सार्थक जीवन उसी का माना जाता है जो कुछ अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करता है ठीक है ना, जो जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करता है समाज के लिए कुछ कार्य करता है उसे याद करता है समाज ठीक है ना। भाई भातरी ने अपने नीति शतक में लिखा है कि इस पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्य जन्मते हैं और करोड़ों मनुष्य जो है मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसी मनुष्य को याद किया जाता है जो अपने कृतित्व द्वारा कुछ कार्य इस देश में छोड़ जाता है। उसी प्रकार से ये भीड़ तंत्र है, इस भीड़ तंत्र में अगर आप अपनी पहचान बना ले गए तो जीवन सार्थक है। पहचान के लिए देखो दो एक दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक उपलब्धियां और दूसरा समाज के प्रति समर्पण ठीक है। भगवान कृष्ण को जो है पूर्ण पुरुष कहा जाता है उसका कारण है कि पहले उन्होंने अपना जीवन जो है अपने लिए जीता, सब जीते अपने लिए जीता, फिर परिवार के लिए जिया, बालपन उन्होंने खूब चोरी की अपने लिए खूब आनंद मनाया, तो जो सौ के लिए होता है एक जीवन सौ था अपने तक सीमित, बस किससे क्या मतलब है कोई इमोशन नहीं दूसरे के प्रति, सब अपने तक सीमित है, मिट्टी खा रहे हैं आनंद ले रहा है उसका सब कुछ कर रहे हैं, किसी ने टोक दिया तो रोने लगे बालपन में सभी कहते हैं ठीक है। दूसरी अवस्था आती है परिवार के लिए, तो उन्होंने परिवार के लिए किया, माता पिता को कैद से छुड़ाया और जो है एक राज्य स्थापित किया। भगवान कृष्ण की बात आई तो ऐतिहासिक दृष्टि से आप लोगों को बता दें कि भगवान कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, है किसी को मालूम? भगवान कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है, और ये भी लिखा है कि देव की पुत्र कृष्ण ठीक है ना, और वहां हमने गुरु का संदीपनी ऋषि नाम नहीं आया है, घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में आया है। एक चीज और बता दें कि एक जो है आप लोगों को हमने इतिहास की एक चीज बताई थी कि राजकुल दो प्रकार के भारत में हुए, एक सूर्यवंशी कुल और एक चंद्रवंशी कुल ठीक है ना। सूर्यवंशी कुल यानी राजा मनु वैवस्वत का जो पुत्र था इक्ष्वाकु, उसकी परंपरा से जो राजा हुए वो सब सूर्य कुल हो गया ठीक है ना, और जो उनकी पुत्री थी ठीक है ना जिसका नाम था एला, जो बुध को ब्याही थी जिसकी राजधानी झूसी प्रतिष्ठान के पास मिलती है, वहां पर ब्याई थी और उसका जो पुत्र हुआ एल पुरुरुवा, वहां से जो
चंद्रवंश प्रारंभ का, इसी चंद्रवंश में जो है अनेक राजा हुए, यदु भी उन्हीं वंश में से आया। एक राजा थे, उनका जो है एक पुत्र था यदु, ठीक है ना। चंद्रवंश में एक राजा है अयाति हुए, इनकी भी कहानी बहुत मिलती है, लेकिन उस कहानी से यहाँ इतिहास का कोई ज़्यादा मतलब ताल्लुक नहीं है, और कभी मौका मिला तो चर्चा हो जाएगी कभी। विदर्भ भी एक लड़का था इसी चंद्रवंश का, उसका एक पुत्र था चेदी, ठीक है ना। जो बुंद वो चेदी जो है इस क्षेत्र में आया, चंबल यमुना वाले क्षेत्र में, और उसी चेदी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था, चेदी, ठीक है ना। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम पढ़ते हैं क्या, चेदी महाजनपद, ठीक, जनपदों में था 16 महाजनपद, उनमें से चेदी भी था, ठीक ना। इसकी भी स्थिति मजबूत थी, भगवान कृष्ण के समय पे इनकी जो बुआ थी, भगवान कृष्ण की दो बुआ थी, एक कुंती थी और एक और थी जो शिशुपाल की माँ थी, ठीक है ना। अब प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण का वंश, ठीक, आप लोगों बताया कि यदुओं की तीन शाखाएं थी, एक यदु राजा थे, उनकी तीन शाखाएं थी, कौन कौन, अंधक, विष्णी, भोज, ठीक, अंधक, विष्णी, भोज, ठीक। और आप लोगों बताया हमने ऐतिहासिक दृष्टि की बात बता रहे, क्योंकि प्रसंग बस आ गई चीज ध्यान, तो आप लोगों बता रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, तो परीक्षा में ये सब चीजें आती हैं, बस क्या है कि समय कौन सी चीज आ जाए, तो ये प्रसंग आ गया, तो इसलिए बता रहा है आप लोगों को कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु वंश के थे। किस वंश के थे, विष्णु वंश के, ठीक है ना। और अंधक वंश का कौन था, कंस, ठीक है ना। और ये जो है आपको एक चीज क्लियर कहते हैं कि चाहे भगवान कृष्ण की कहानी हो या महात्मा बुद्ध की कहानी हो, ये दोनों ही महापुरुष जिन्हें हम अवतारी पुरुष कहते हैं, अवतार कहते हैं भगवान विष्णु का, ये दोनों ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था में उत्पन्न हुए। ध्यान देना, इतिहास अलग है, पौराणिक कहानी कुछ अलग है। माता बुद्ध को जब आप पढ़ेंगे कहानी, तो कुछ दूसरी कहानी समझ में आती है बौद्ध ग्रंथों के द्वारा। हम जब पढ़ते हैं तो ये लगता है कि बड़ी महानता की कहानी है, लेकिन जब राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से पढ़ते हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो जो घटनाएं घटी थी वो घटनाएं ना होकर दूसरी राजनीतिक घटनाएं थी, इस कारण माता बुद्ध को बात होना पड़ा था ये चीजें करने के लिए। क्योंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में आप लोग जानते हैं कि इसमें जो राजा का पद है वो आनुवांशिक नहीं होता, ठीक है। भारत को भी गणतंत्रात्मक देश कहा गया है, और इसकी व्याख्या भी संविधान में की गई है, प्राचीन समय में भी थी, कि यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख है वो आनुवांशिक नहीं होता, दशरथ के बाद भगवान राम, हिंदू धर्म राजतंत्रात्मक व्यवस्था में परंपरा थी कि उसका ज्येष्ठ पुत्र ही जो है राजा बनेगा, ठीक है नहीं। तो भारत में दो प्रकार की शासन प्रणालियां थी, एक राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में भगवान बुद्ध हुए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में ही भगवान कृष्ण हुए, ठीक है नहीं। इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं कि टाइम ज़्यादा खराब होगा, लेकिन एक आप लोगों को सोचने के लिए हमने विकल्प दे दिया है, कभी चर्चा होगी तो उस पर चर्चा कर ली जाएगी कभी, कि जो परिस्थितियाँ थी एक गणतंत्रात्मक व्यक्ति के साथ में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो कैसे उत्कर्ष करता है, वो पूरी कहानी राजनीतिक होती है, ठीक है ना। इसलिए फिर इनका होता क्या है कि जब एकता अधिक महात्मा बुद्ध से, जब अजाशत्रु के मंत्री, अजाशत्रु ने पूछा, और उसके मंत्री था वत्स का, कि भाई ये लिच्छवियों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, वैशाली गणराज्य पर, बद्दी संघ पर कैसे वो की जाए, तो उन्होंने कहा कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है
जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता है उनकी एकता। यदि इनकी एकता तोड़ दी जाए तो इनको आसानी से जीता जा सकता है। जबकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपना जो है संगठन बौद्ध संघ की स्थापना जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही की थी, है नहीं? आप लोगों ने बताया, जब उसका अध्ययन करें आप लोग तो देखेंगे कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर ही पूरी पूरी टिकी हुई थी। जैसे सभागार होता है वैसे ही सभागार होता है, उस सभागार में कैसे निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना? जैसे हमारी संसद है उसी प्रकार प्राचीन समय में भी वो विधियाँ थी। ये संसद है उस समय सभागार था, उसको सभागार कहते थे, उनके भी अधिकारी होते थे। जैसे अब इस समय हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सदन होते हैं दो, तो उस समय भी जो है कुछ ऐसी प्रणालियाँ थी, चुनाव की प्रक्रिया भी थी, व्यक्ति को एकाएक नहीं बना दिया जाता था राजा, ठीक है ना? बस उसमें और इसमें अंतर ये था, आज की प्रणाली और उस समय की प्रणाली में अंतर ये था कि उस समय प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार था। जो कुलीन परिवार होते थे उन परिवारों का एकाध मुखिया जो है उस व्यवस्था में सम्मिलित रहता था और उन्हीं कुलीनों में से एक व्यक्ति चुन लिया जाता था, ठीक है ना? ये व्यवस्था। तो भारत में गणतंत्रों को नष्ट करने वाला शासक कौन था, ठीक है? समुद्रगुप्त को आपको बता दिया, प्राग प्रशस्ति के बारे में बता दिया, उसकी विधियों के बारे में बता दिया, उसकी पंक्तियों के बारे में बता दिया। समुद्रगुप्त की का एक नाम जो है काच के रूप में भी मिलता है, ठीक, ये भी बता दिया आपको। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, उसके कुछ सिक्के जो है वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, जिससे ये भी सिद्ध हुआ है कि यह जो है वीणा वादन का शौक है, ठीक, ठीक है ना? परीक्षा में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में संगीत से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, अकबर नकाड़ा बजाता था और औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था, वीणा बजाने का ही शौकीन कौन था जी? अच्छा, शाहजहां जो है गाने में बड़ा मशहूर था, गाना गाने में बड़ा मशहूर था, और जहांगीर को चित्रकला का सबसे बड़ा शौक था। तो ये शौक थे, ठीक है ना? कभी कभी शौक भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं, ठीक। अब आइए समुद्रगुप्त के बाद यहां पर सर, ये समुद्रगुप्त की जो रचना थी ये प्रयाग प्रशस्ति इन किस मामले में थी? क्या है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई? प्रयाग प्रशस्ति जो है आपको बताया संस्कृत भाषा में लिखी गई, चंपू शैली में लिखी गई, हरिशेण ने लिखी है, ठीक है ना? चंपू शैली उस शैली कहते हैं जो गद्य और पद्य मिश्रित शैली, ठीक है ना? गुप्त काल में जो भी ग्रंथ लिखेगा, इस समय जो है संस्कृत भाषा प्रमुख भाषा थी, इस समय के जो ग्रंथ हैं उसमें ये कहा गया है कि उच्च वर्ण के लोग जो है जब बात कहते थे तो वो संस्कृत में कहते थे, स्त्री और सूत्र ये जो है दूसरी भाषा में कहते थे, ठीक है ना? चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद इतिहास का एक जो है इस वंश का थोड़ा विवादित प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के कुछ समय बाद जो है रामगुप्त नामक एक शासक बना, ठीक है ना? तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो भाई था, ठीक है ना? उसका नाम था रामगुप्त, ठीक। उसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था, ध्रुव स्वामिनी था, देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त ने एक ग्रंथ लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें जो है इस कहानी का उल्लेख है, ठीक है ना? क्या है कहानी? हालांकि रामगुप्त के अब जो है कुछ सिक्के भी मिले हैं, ठीक है, जिससे उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है।
देवी चंद्र गुप्तम जो विशाख दत्त ने लिखी है उसके अनुसार रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। इसका जो है गुजरात काठियावाड़ के पास जो है एक सग राजा थे जिनका नाम था रुद्र सिंह द्वितीय। नाम लिख लीजिए आप लोग रुद्र सिंह द्वितीय। ये रुद्र दामन का जो योग था वही वंश चला रहा था। ठीक है सामने छुट्टी की मंत्र लगी हुई है।
यदि ई हटा दो तुम उसमें से तो क्या बचेगा? सौ। इसलिए ई जो है शक्ति का पर्याय है, और जब उसमें सौ में ई लग जाता है तो वो है शक्ति का संचार हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे देश में जहाँ भी देखिए वहाँ मातृशक्ति की जो है पूजा उपासना की गई है। और यही बात जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश का महान शासक था, उसने भी इस चीज को महसूस किया कि हमें जो है अपने स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो उसने एक नीति अपनाई, उसने कहा कि जो है कि बिंदगी जगह पर बालकी में जो है हमें बैठा दिएगा। तो उसने स्त्री वेशभूषा धारण करके पालकी में ध्रुव स्वामी की जगह, ध्रुव देवी की जगह वो स्वयं बैठ गया और कहा कि इन पालकी कुछ और पालकी ये जो दासियों के रूप में जाना है इनमें भी जो है कुछ लड़ा के भेज दिए जाए। तो कुछ उसने गिने चुने सैनिक, अच्छे लड़ा के सैनिक थे, उनको भी उन पालकियों में बैठा दिया गया। वो डोला जो है सक राजा के महल में उतरा, स्त्री भेष में चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे। जब उसको तो यही समझ रहा था सक राजा के जो है ये स्त्री है, ध्रुव देवी है, ठीक है नहीं। जैसे ही वो पास आया तो चंद्रगुप्त जो है उसके ऊपर कूद पड़े और भड़ गए उससे और उसका अंत कर दिया। इसीलिए जब जो है चंद्रगुप्त ने सक राजा को हरा दिया, मार दिया, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया, तो इससे जनता में भी जो है पूरी जनता समाज में चंद्रगुप्त की जय जयकार होने लगी, ठीक है। भाई बुंदेलखंड का एक देवता है, आप लोग बताएं, लोक देवता जिसे हम कहते हैं, बुंदेलखंड की भूमि में बैठे हुए हैं लाला हद। हर गांव में लाला हदवर का लगभग लगभग लाला हदवर का चबूतरा मिलता है, ठीक है। लाला हदौल की जो हम लोग सब लोक देवता के रूप में पूछते हैं, लेकिन लाला हद जिस प्रकार से चंद्रगुप्त की लोकप्रियता बढ़ी उसी प्रकार से लाला हदौल की भी लोकप्रियता अपने राज्य में बढ़ी। राजनीतिक कारण आप लोगों को बता रहे हैं जो इतिहास किताबों में राजनीतिक दृष्टि से है, बकाया कहानी जो कुछ भी हो वो आप लोग समझे, ठीक है ना। भाई बुंदेलखंड के नाम जानते हैं आप लोग, कितने नाम कोई है विद्यार्थी? भाई बुंदेलखंड की भूमि पर बैठे हम लोग और आप इंटरव्यू देने गए, मान के चलिए कोई परीक्षा में इंटरव्यू देने गए और आपसे पूछ लिया गया कि भाई एक दो नाम बताइए, आप बुंदेलखंड की भूमि से आए हैं जिसमें राजा छत्रसाल के समय पर कहा गया था कि यदि हम नाम तो नर्मदा यदि चंबल तो ठोस छत्रसाल सोलरन की रहू ना काहू मोस, ठीक है ना। ये बुंदेलखंड की सीमा है, इन चार नदियों के बीच की भूमि को हम जो है बुंदेलखंड कहते हैं। छत्रसाल राजा छत्रसाल के समय ये निर्धारित हुई है, जहाँ पर महाभारत काल में भी उल्लेख है, ठीक है ना। चेदी यदि ये सब हमने इतिहास अभी आप लोगों को बताया शॉर्टकट में, तो इसके कुछ नाम तो बताओ भाई आप लोग। एक तो नाम चेदी ही है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, जेजागुप्ति भी नाम है, दर्शन क्षेत्र भी नाम है, जुजोती क्षेत्र भी इसका नाम है, क्योंकि यजुहोत्री ब्राह्मण इस क्षेत्र में रहते थे इसलिए इसका नाम एक क्या पड़ गया, जुजोती, ठीक है ना। जेजागुप्ति और जुजोती का विवरण छोके ही क्या बन गया, जुजोतिया, ठीक है। किसी किसी ने उसको जुझार सिंह राजा से बना दिया। तो यहाँ पर जो हम वही कहानी बता रहे हैं कि इतिहास में जो कहानी है कोई भी हो, जैसे मान लो उस समय नेपोलियन जब इटली की विजय करके अपने देश में प्रवेश किया तो उसका एक लोकनायक की तरह स्वागत किया, ठीक है ना। अभी आप एक उदाहरण बता दें कि वो एक कौन थे जो अभी कौन सा ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ में, सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ पाकिस्तान में एक फौजी, हाँ वो केरल के, केरल के अभिनंदन, हाँ अभिनंदन, ठीक है ना। तो आपने जब देखा होगा कि उसका जो है देश में कितना भव्य तरीके से जय जयकार हो रही थी उस समय, ठीक। आप मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में भी यही सोच लीजिएगा, पूरा जनमानस उस समय जो है चंद्रगुप्त के
के साथ में हो। अतः चंद्रगुप्त ने अब समझाया कि जो राजा अपने धर्म की रक्षा न कर पाए, जो राजा अपनी स्त्रियों की रक्षा न कर पाए, उस राजा का राजा बनना ठीक नहीं है, समाज के लिए भी और राष्ट्र के हित के लिए भी। अतः उसने क्या किया कि रामगुप्त की हत्या करके वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया और उसकी पत्नी के साथ में, ध्रुव देवी के साथ में उसने ब्याह कर लिया। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के और भी विवाह थे और उसने अन्य राजाओं के साथ वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया, ठीक है नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, क्योंकि सक राजा को मारा था इसने, वो सक राजा का नाम रुद्र सिंह द्वितीय था, ठीक है नहीं। अतः इसके उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का चलाया। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को माना जाता है। इसी उपलक्ष्य में उसने जो है सकारी की उपाधि धारण की, इसी उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है नहीं। विक्रमादित्य की उपाधि इसीलिए, और विक्रमादित्य के नाम से सबसे ज्यादा मशहूर ये शासक है। अच्छा, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी, आप लोग हम क्लियर कर दें कि जो राजा विक्रमादित्य की कहानी है बेताल भट्ट ने जो लिखी है, ठीक है नहीं, विक्रम बेताल, वो यही राजा था। और आपको बता चुके हैं कि 14 कम से कम विक्रमादित्य हुए हैं भारत के इतिहास में, एक जिसके नाम से कौन सा संबत चला, विक्रम संबत, ठीक है। संबत की बात आई तो आपको बता दें कि विक्रम संबत। इसके बाद एक संबत था कलचुरी चेदू संबत, ठीक है नहीं, विक्रम संबत 57 ईसा पूर्व, कलचुरी चेदी संबत जो है आभीर वंश का एक शासक था जिसका नाम था ईश्वर सेन, ठीक है नहीं। उसने जो है कलचुरी चेदी संबत चलाया था 248-49 ईस्वी में, ठीक। परीक्षा में आता है, आप लोग हम वही चीज़ें बता रहे हैं वो आपकी योग्यता कुशलता के ऊपर है, हम बहुत डीप चीज़ें भी आप लोगों को बता रहे हैं। जो संबत की बात है, प्रसंग बस जो चीज़ आ जाती है वो हम आप लोगों को बता देते हैं कि भारत में जो संबत चले हैं वो कौन कौन से हैं। विक्रम संबत, शक संबत 57 ईसा पूर्व में, विक्रम संबत 78 ईस्वी में, शक संबत 248-49 में कौन सा संबत चला था, कलचुरी चेदी संबत, ठीक है ना। इसके बाद आया गुप्त संबत 319 में, 319-20 इसे गुप्त संबत माना जाता है। और इसी समय एक संबत और चला था जिसे बल्लवी संबत भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक संबत और है जिसे बोलते हैं हर्ष संबत। हर राजा हर्ष वर्धन जो है उत्तर भारत के अंतिम सम्राट हुए थे, उनके समय भी एक संबत चला था जिसे हर्ष संबत कहते हैं। ये पूरे संबत का हमने आपको बता दिया है। एक चीज और बता दें कि ईसवी सन में यदि संतान जोड़ दें तो विक्रम संबत आ जाता है। भाई ईसवी सन जो चल रहा है उसमें आप संतान जोड़ दो, क्योंकि 57 ईसा पूर्व वहां जाना है हमें, तो संतान घटा दो, ईसा पूर्व की बात है, संतान घटा देंगे तो कौन सा संबत आ जाएगा, विक्रम संबत, ठीक। इसी प्रकार से ये बताई जा रही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदयगिरी गुहालेर, एक इसका जो है दिल्ली के पास मेहरौली है, ठीक है ना, दिल्ली के पास मेहरौली है, वहां पर भी एक जो है एक स्तंभ खड़ा हुआ है। और वहां पर उस राजा का नाम चंद्र नाम मिलता है, चंद्रगुप्त, ठीक है ना। उसमें ये लिखा है कि ये राजा जो है मर चुका है, लेकिन इस राजा ने बाहलीकों को हराया, गंग को हराया, ठीक। और इसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की, ठीक, विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वो राजा जो है उस समय जब ये लेख लिखा गया उस राजा की मृत्यु हो चुकी थी। वो राजा और कोई नहीं,
क्षमा देते हैं, ठीक है नहीं। और ये कहा जाता है कि वो लोह स्तंभ है, उस लोह स्तंभ जो जो है उस समय से अभी तक यम का तिम खड़ा होता है और उस पर उस प्रकार की कोई एक पेंटिंग की गई हो, पॉलिश की गई है कि वो सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन कर रहा है लेकिन उसमें जंग नहीं लगी, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि पॉलिश वाली प्रक्रिया एक पाषाण पर पॉलिश की जाती थी, ये लोहे वाली पॉलिश भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उस समय जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में जब बराबर गुफा नागार्जुनी गुफा में जो गुफाएं मिली हैं उन पर ऐसी पॉलिश की गई कि वो आज तक जो सुरक्षित है, ठीक है ना। दिल्ली के संबंध में बात हो रही है कि दिल्ली में मेहरवली स्तंभ है, ठीक है ना, वहां पर इसका एक लेख मिला है। तो दिल्ली के नाम आपको बता दें कि एक नाम इसका खांडव प्रस्थ है, एक नाम इसका इंद्र प्रस्थ है, एक नाम इसका योगनीपुर है और एक नाम इसका दिल्ली। दिल्ली का से जो है दिल्ली बनाई, ठीक है ना। मध्य काल में सल्तनत काल में कुछ लेख बलबन का लेख मिला है, उसमें भी इसका जो है योगनीपुर के नाम से इसका उल्लेख है क्योंकि 64 योगनियों का मंदिर भी दिल्ली में है, ठीक है ना। ये दिल्ली की कहानी बता रहा है आपको। और दिल्ली जो है अरावली पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, ठीक है ना, भारत की है और संसार की भी सबसे प्राचीन है। आपको बता दें कि भारत की सबसे और संसार की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली और संसार की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी भारत में ही है, उसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। ये दोनों ही भारत में है, ठीक। भारत की जो भूमि है उसको देखो दो भाग है, एक तो दक्षिण का भाग और एक उत्तर का भाग। जो दक्षिण का भाग है वो प्राचीन भाग माना जाता है, यहाँ ज्वालामुखी फूटते रहे, तमाम प्रक्रियाएं होती रही। उत्तर का भाग भी ये कहा जाता है कि यहाँ का भी समुद्र था, ठीक है ना। जहाँ हिमालय पर्वत है वहां पर एक 33 नामक सागर था, ठीक। बाद में हुआ क्या कि चूंकि भूमि के अंदर प्लेटें हैं तो एक यूरेशिया प्लेट और एशिया प्लेट आपस में ऐसे संगठित होती गई और वो सागर जो है नष्ट हो गया। उसी सागर के कुछ अवशेष जो है हमें कहाँ राजस्थान की झीलों में मिलते हैं, हमें जो है कश्मीर की झीलों में मिलते हैं, ठीक है ना। उसके संबंध में भी, कश्मीर के संबंध में भी ये कहानी आती है कि कश्मीर को जो है कश्यप ऋषि ने बसाया था। कहानी है लेकिन उसका अगर वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि वहाँ पर जो है पहले क्या था, समुद्र, इसलिए वहाँ की कुछ झीलें जो है खारी भी हैं, समुद्र के भी अवशेष हैं। राजस्थान की झीलें भी एक समय वहाँ भी समुद्र था, ठीक है ना। तो कश्यप ऋषि ने क्या किया था कि उस समुद्र को पी लिया था, उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया था, कश्मीर, कश्यप ऋषि के नाम पर, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने जो है शकों को पराजित किया। इसके दरबार में 9 रत्न थे जिसमें 12 मेहर, कालिदास, घटकर्पर, अमर सिंह, परमचि, बेताल भट्ट, शंकु, ये जो है विद्वान लोग और धनवंतरी, ठीक है नहीं। ये 9 रत्न जो है इसकी राजसभा को सुशोभित करते थे, ठीक, समझ में आ गई बात। 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न थे। अमर सिंह, घटकर्पर, बररुचि, शंकु, बाराय मेहर, बेताल भट्ट, अमर सिंह, अब जो भी हो खैर अब
है नहीं? बैराग नौ थे, कालिदास भी उनमें से एक थे, कालिदास का भी नाम है नवरत्नों में, ठीक है? अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका लड़का जो है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से शासक बना, इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। इसके शासन काल में उस देखिए एक चीज और है कि सबसे ज्यादा अभिलेख जो है 18 अभिलेख कुमारगुप्त के मिले, ठीक है ना? इसके शासन काल में कुछ मित्रों ने आक्रमण किया, इसकी जानकारी मिलती है। और फिर इसके बाद जो होगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख में हूणों का भारत पे आक्रमण, ठीक? तो हूण तीन नेता थे, आप लोग ध्यान देना, हूण जो तीन नेता थे कृष्णवाद, तोरमान और मेहर, कौन कौन से राजा थे आप लोग लिख लीजिए, कृष्णवाद, तोरमान और मेहर। आक्रमण दो गुप्त शासकों के समय हुए और धीमे धीमे हूणों के आक्रमण के कारण ही जो है गुप्त वंश का अंत हो गया। अंतिम गुप्त शासक जो है विष्णुगुप्त था, ठीक है ना? अंतिम गुप्त शासक किसी किसी किताब में लिखा है विष्णुगुप्त और किसी किताब में लिखा है कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है ना? स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय में भारत में हूण आक्रमण, स्कंदगुप्त के समय जो हूण आक्रमण होगा इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये परीक्षा में आता है आप लोगों की, इसलिए आप लोग भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख लिख लीजिए, जिसके द्वारा हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। और उस समय उस इस आक्रमण का नेता कौन था? तोरमान, ठीक है ना? पहले आक्रमण का नेता था कृष्णवाज, दूसरे आक्रमण का नेता तोरमान था, और तोरमान ने पवैया के पास जो है राजधानी बना दी थी, ठीक? ये बस गया था, सेवा धर्म का अनुयायी था। इसके बाद मेहरपुर जो है शासक बना हूणों का, ठीक है नहीं? मेहरपुर को एक मालवा का शासक था यशो वर्मन, उसने भी पराजित किया था, कश्मीर के शासक ने भी पराजित किया था, और मेहरपुर को नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी पराजित किया। पराजित करने के बाद इसे बंदी बना लिया, लेकिन बाद में नरसिंहगुप्त बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसको छोड़ दिया। अंत में यही हूण जो है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बने। अब आपका जो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित ये अभी हमने क्या है राजा शासकों की उपलब्धियाँ बताई थी, ठीक है नहीं? अब इसमें गुप्त काल की सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ये सब स्थिति, आर्थिक स्थिति, जिसके कारण गुप्त वंश को भारत का सुनी कहा, ठीक है नहीं? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही भारत में स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इस समय जो है अनेकों ग्रंथ लिखे, संस्कृत भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, धन धान्य की खूब जो है संपन्नता थी देश में, देश का हर नागरिक खुशहाल था, लेकिन फिर भी इस समय जो है सामाजिक बुराइयां देश में प्रवेश कर गई थी, जैसे महिलाओं की स्थिति, जैसे शूद्रों की स्थिति, जैसे वैश्यों की स्थिति, ठीक है? लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये युग जो है धार्मिक सहिष्णुता का युग था, सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये युग जो है समन्वयवादी युग था, अतः इस युग में जो है समाज बहुत प्रगति कर रहा था, मन
राजा मनु ने 7 प्रकार के दास बताए, दासों की स्थिति 15 प्रकार के दास जो है नारद ने बताए, यानी सबसे ज्यादा दासों का वर्णन करने वाला कौन था, नारद, नारद स्मृति, ठीक है ना। मनु ने 7 बताए, कौटिल्य ने 9 बताए, ठीक। और दासों की मुक्ति का भी यदि पहला उल्लेख मिलता है तो वो नारद स्मृति में ही मिलता है, ठीक है ना। और विधवा को अगर विवाह करने का अधिकार किसी ने दिया है सबसे पहले तो वो नारद स्मृति में मिलता है। और विधवाओं को संपत्ति का अधिकार, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहली स्मृति कौन सी है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है ना। इसी समय एक चीज और आप लोग ध्यान देना, इसी समय इतिहास में एक जाति उत्पन्न हुई जिसे हम बोलते हैं कायस्थ जाति, ठीक है ना, कायस्थ जाति, ठीक। ये चूंकि जो है लेखा विभाग में लेखाकार का काम कहते थे, राजस्व का काम कहते थे, लिखते थे आप लोगों को, इसलिए जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में इनको जो है इनका उल्लेख आया है कायस्थों का, लेकिन औसनस स्मृति में, औसनस स्मृति में इनका एक जाति के रूप में उल्लेख आया है जो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आता है। आज इतना ही रहने दें, कभी अगर ड्यूटी लगी तो इसके आगे की चीज़ें और बताएंगे, जो चीज़ें अगर छूट भी जाती हैं तो कभी चर्चा के दौरान हम सब बता देते हैं, ठीक है ना। इस समय जो है प्रशासनिक चीज़ें इनके जो कार्य होंगे जैसे स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कई बार, है नहीं, तो इसलिए कुछ चीज़ें हमने रिपीट भी नहीं की। जैसे स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख था तो सिंचाई से संबंधित था, तो कल या परसों में हमने आपको दिखाई दिया था उस समय जो है जूनागढ़ क्षेत्र में कौन अधिकारी थे, स्कंद गुप्त के समय कौन था, और स्कंद गुप्त ही अंतिम शासक था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था।